अगर ये वाला एक्सपेरिमेंट अपने दोस्तों को दिखाते हो तो पूरी तरीके से पागल ही हो जाएंगे। आपको बस एक ग्लास में पानी लेने के बाद एक इनो ले लेना होगा, जो कि बहुत ही आसानी से आपके बगल वाले दुकान पे मिल जाएगा। और इसको ग्लास में अच्छी तरीके से डालने के बाद चम्मच से इसको बहुत ही अच्छी तरीके से मिला लेना होगा। अब आपको अपनी मम्मी से बचकर अपने घर में पड़ी इस तरह की दाल को लाकर इस इनो वाले पानी में डाल देना है। तो आप देखोगे यार कितनी कमाल का रिएक्शन हो रहा है। और यार ये बच के ही करना, वरना अगर मम्मी जान जाएंगी तो आप ये वाले एक्सपेरिमेंट को काफी ज्यादा तबाही कर देगा। आपको एक बीकर में कुछ इस तरह से ग्लिसरीन डालने के बाद आपको शैम्पू ले लेना होगा। और यार खूब दबा दबा के बहुत सारे शैम्पूओं को इसमें डाल लेना होगा। और एक चम्मच लेकर इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना होगा, जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। फिर आपको लेना है पोटेशियम पर मैंगनेट और इसको भी इसमें डाल लेना है। और इसको भी चम्मच से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना होगा। कुछ देर बाद आप देखोगे कि यार इतने गजब का फाउंटेन बन के रेडी हो जाएगा, जिसको कि अपने दोस्तों को दिखाओगे तो यार वो तो पूरी तरीके से ही हैरान हो जाएंगे। और यार फाउंटेन बहुत देर तक बनता जाता है, मैं तो देख के पूरी तरीके से हैरान हो गया था। पहले तो आप इस वीडियो को देख लीजिए। जैसे ही जलती हुई मोमबत्ती को उस बॉटल के पास लाया जाता है, कितना गजब का फ्लेम बढ़ता है। आखिर ये कैसे हो रहा है? इसको करने के लिए अपने घर में पड़ी पुरानी बॉटल को लेने के बाद उसमें आपको जलती हुई मोमबत्तियों को एक साथ डाल देना होगा। और जैसे ही आप इसको डालोगे तो बहुत सारा धुआं इसमें इकट्ठा हो जाएगा। अब इस मोमबत्तियों को पूरी तरीके से बाहर निकाल देना होगा, जैसा कि इसमें निकाला जा रहा है। और घर में पड़े आपको एक परफ्यूम को लेना होगा और भर भर के परफ्यूम को इस बॉटल के अंदर डाल देना होगा। और यार आप जितना चाहो उतना इसमें कर सकते हो। अब जलती हुई मोमबत्ती को जैसे ही गजब का एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। ये वीडियो देखने के बाद बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि इस ग्लास से इस ग्लास में धुआं आखिर कैसे आ रहा है। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ। सच में दिखाओ जरा मेरे बच्चों, मुझसे सबर नहीं हो रहा। 1, 2, 3 इसको करने के लिए आपको एक पेपर और माचिस की कुछ तिलियों को लेकर कुछ इस प्रकार से पेपर में मोड़ते जाना है, जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। अब आपको एक ग्लास में कुछ इस तरह का सेटअप कर लेना है, जैसा कि इसमें किया गया है। और ऊपर से जैसे आप इसको जलाओगे तो कुछ इस प्रकार से ग्लास में धुआं इकट्ठा होने लगेगा। अब आप इसे ऊपर से सेटअप हटाने के बाद दूसरे ग्लास में इस धुएं को बहुत ही आसानी से डाल सकते हो, जैसा कि इसमें डाला जा रहा है। इस वीडियो में माचिस की तीली से एक सामान को जलाया जाता है और वो कितनी आसानी से जलने लगता है। बहुत लोगों को ऐसा लगेगा कि एक मोमबत्ती है, लेकिन ये स्कूल में यूज होने वाले इस तरह के चौक है। कहना क्या चाह रहे हो? अबे हम ये कहना चाह रहे हैं इस तरह की मोमबत्ती अपने घर पे बनाने के लिए सबसे पहले आपको कुछ इस तरह के बर्तन में केरोसिन ऑयल को ले लेना होगा और ऊपर से इसके ढक्कन को कुछ इस प्रकार से छेद करने के बाद इसमें इस तरह से लगा देना होगा। स्कूल से एक चौक लाकर कुछ इस प्रकार से इसमें 2 मिनट के लिए लगाकर छोड़ देना होगा। जैसे 2 मिनट बाद आप इसको जलाओगे तो ये मोमबत्ती जैसी बहुत ही आसानी से जलने लगेगा। जादूगर भी है भोसड़ी का। अगर ये वाला एक्सपेरिमेंट अपने दोस्तों को दिखाते हो तो वो तो पूरी तरीके से पागल हो जाएंगे। इसको करने के लिए आपको एक बीकर में कुछ इस तरह से पानी को लेकर बीटाडीन नाम के केमिकल को लेकर इस पानी में डाल देना होगा। जैसे ही आप बीटाडीन को इसमें डालोगे तो इसका कलर पूरी तरीके से ऑरेंज हो जाएगा, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होगे। अब आपको अपने बगल वाली मेडिकल शॉप से कुछ इस तरह से विटामिन सी की गोलियों को लाकर उसमें डालकर कुछ इस तरह से इसको सेक करोगे तो पूरी तरीके से केमिकल का रंग ही चेंज हो जाएगा। क्या आप भी अपने हाथ के ऊपर कुछ इस तरह से आग को लगाना चाहते हो? तो चलो मैं बता देता हूँ। इसको करने के लिए आपको इस तरह के लिक्विड सॉप के एक सोल्यूशन को बना लेना होगा और उसमें कुछ इस प्रकार से परफ्यूम को लेकर बहुत ही देर तक उसमें प्रेस करते रहना है, जब तक इसमें इस तरह के बुलबुले ना बन जाए। इसके ऊपर कुछ इस तरह से बुलबुलों को बाहर ले लेना होगा। बस आप जैसे इस पे आग लगाओगे आपके हाथ में जादू की तरह से आग लग जाएगी।